आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा लेमन चिकन। बड़ी क्विक सी और इजी सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। जब आप बाहर खाना खाने जाएं रेस्टोरेंट में, स्पेशली डेरा पे जो फेमस रेस्टोरेंट है लाहौर का, तो वहाँ पर मैंने ये लेमन चिकन की रेसिपी टेस्ट की थी और मुझे बहुत मज़ेदार लगी। फिर मैंने इसको घर पर ट्राई किया। इट हार्डली टेक 20 मिनट्स ऑफ योर टाइम और बहुत मज़े की बनती है। इसमें मैंने बोनलेस चिकन जो है वो क्यूब फॉर्म में लिया है। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने अपनी ये हांडी जो है ये गरम कर ली है। इसके अंदर मैंने ऑयल अपना डाल लिया गरम करने के लिए। बी केयरफुल, क्योंकि ये मिट्टी की है और ये बहुत ज़्यादा गरम होती है। इसको नॉर्मल आपने नॉनस्टिक पैन की तरह या स्टील के बर्तन की तरह इसको हैंडल नहीं करना है। इसके लिए बहुत केयरफुल होना है। स्पेशली इसके मिडल में जो है वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, समझेंगे ये तंदूर की तरह ये पका रहा है, तो आपने बहुत केयरफुल रहना है इसके लिए, क्योंकि और ये बड़ी जल्दी से जो है ना वो हांडी कुक कर देती है। वो पुराने ज़माने में मिट्टी की हांडियों में पकाया करते थे ना, तो फटाफट से जो है वो ये कुक कर देती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, जल्दी जल्दी गला देती है चीज़ों को। तो हमने सबसे पहले जो है ये अपनी अपनी प्याज जो है, इसमें मैंने ये दो प्याज डाली है चॉप, इसको मैं फटाफट से फ्राई कर दूँगी इसके अंदर। मेरा देखिए हल्का सा मेरा फ्राई हुआ है, ज़्यादा ब्राउन फ्राई नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। और ये मेरे पास है आधा किलो चिकन की मैंने बोनलेस बोटियाँ बनवाई हुई थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। साथ ही मैं इसके डालूँगी 1 टेबल स्पून के करीब जो है दैट इज़ गार्लिक, पिसा हुआ फ्रेशली ग्राउंड गार्लिक, और इसको मैं मिक्स करूँगी। आँच मैंने थोड़ी सी मीडियम से और थोड़ी ऊंची रखी है। ये देखिए हमने इसको फ्राई कर लेना है अच्छे से। ये बहुत मज़े की बनती है, ये मेरी अपनी जनरेटेड रेसिपी है। ये बिल्कुल जैसे मैंने आपको मलाई बोटी की रेसिपी डाली बताई थी ना, सेम ये उसी तरह का जो है मज़ेदार सा फ्लेवर इसमें आता है। बड़ी जल्दी से बन जाती है, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और किचन में खड़ा होना जो है ना वो बस महाल ही होता है, स्पेशली वर्किंग वुमेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा, कि घर भी देखना है और बाहर भी देखना है, तो उनके लिए बड़े फटाफट से क्विकली जो है वो बोनलेस बनवा के आप फ्रीज़ कर लें, और जो है जब आपका दिल किया विद इन 20 मिनट्स जो है वो आपकी रेसिपी जो है वो रेडी हुई होगी। इसको हमने फ्राई करना है अच्छे से। थोड़ा सॉस फ्राई हो जाए। अच्छा जी, ये मेरा हो गया चिकन फ्राई हल्का सा। अब मैं डालूंगी इसमें 1 कप के टी मेरे पास होती है दही, सफ़ेद जीरा पाउडर है भुना हुआ 1 टेबल स्पून, ये इसमें जाएगा। ये 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, ये इसमें जाएगी। 1 टीस्पून सॉल्ट है, ये जाएगा इसमें। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। आँच हम तेज़ कर देंगे अपनी, ताकि जो इसका जो दही का पानी है वो जल्दी जल्दी खुश्क हो जाए और बोनलेस जो है वो फटाफट से हो जाती है, तो इस वजह से जो है वो हम ज़रा तेज़ कर लेंगे ताकि वो जल्दी जल्दी जो है वो गल जाए। ये 1/2 टीस्पून के करीब वाइट पेपर है, ये इसमें जाएगी। डालेंगे इसमें 100 ml के करीब क्रीम। अच्छा, 100 ml बनती है एक पैकेट का, 1/2 पैकेट जो होता है वो आपने इसके अंदर डालनी है। क्रीम अब मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब इस टाइम पे आपने क्या करना है, इसमें कुछ जो है वो लेमन के स्लाइसेस ऐसे काट के इसके अंदर इसकी जो है वो बीच इसमें से रह गया, बीच लाजमी निकालना है आपने, इट इज़ कंपल्सरी पार्ट कि आप इसमें से बीच निकाल लें। ठीक है, ये आपने इसके अंदर ऐसे करके इसको हल्का सा दम लगाना है। ये 1 लेमन है मेरे पास और इसके मैंने स्लाइसेस काट के इसके छिलके के साथ इसके अंदर डाल दिया है। इसको 2-3 मिनट के लिए आपने इसको दम लगाना है।
हमारा मज़ेदार सा लेमन चिकन बिल्कुल रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिएगा आप और इसका टेक्सचर देखें, बहुत मज़ेदार बनता है। और जब कभी आप डेरे पे बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, स्पेशली लाहौर का जो फेमस रेस्टोरेंट है, अगर आप वहाँ पे कभी खाने जाएं तो इस तरह का मज़ेदार सा लेमन चिकन आपको मिलता है। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप यू गाइज़ लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको अपने लव वन के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।